अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गांव जाटवास के लोग राशन वितरण एजेंट को लेकर एक ज्ञापन SDM के नाम स्थानीय तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि राशन वितरण एजेंट जो जाटवास के पास लगते गांव जांजड़ियावास का रहने वाला है, जो जाटवास के लोगों को राशन वितरण करता है, उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति राशन बांटने में अनियमितता करता है, लोगों का राशन भी समय पर नहीं देता और कम देता है तथा ग्रामवासियों से सामान से अधिक भी वसूली करता है। आज गांव के सरपंच प्रतिनिधि दिनेश शिवाच और पंच प्रतिनिधि हरीश कुमार, दिलीप कुमार, कमल सिंह, राजेंद्र सिंह, होशियार सिंह, रतिराम गोविंद, अभय, अजय, रवि, कृष्ण, भगवान दास, पृथ्वी सिंह आदि ने बताया कि वे व्यक्ति मनमानी से उन लोगों को राशन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते उस व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूर होकर वे आंदोलन का रास्ता अपना लेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें समय से तथा सरकारी दाम पर राशन दिलाया जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण करा जा सके। और राशन वितरण में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, पूरा राशन किसी को नहीं मिल पा रहा और राशन वितरण भी वो 1 से 2 घंटे करता है। अब कोई मजदूर आदमी है, गरीब आदमी घर से बाहर है, दूसरे दिन आएगा उसको राशन नहीं देता, वो कहता कि राशन बांट दिया मैंने, जबकि सरकार के नियम अनुसार पूरे महीने में हम कभी भी राशन ले सकते हैं। जाटवास गांव से हूँ, अभय सिंह मेरा नाम है, पूर्व पंच हूँ और हमारे गांव में 10 राशन कार्ड में सदस्य हैं, तो गुट्ठा ऐसे मशीन ले रखी है, वहाँ गुट्ठा नहीं आता तो पूरा परिवार को ले जाना पड़ता है 2 किलोमीटर, फिर राशन मिलता है मेरे को, यह भी परेशानी है 2 किलोमीटर तक की, तो ये राशन हमारे गांव में ही मिल जाना चाहिए। पहले बार पहले बांटते थे, बताओ तो कैसे पार पड़ेगी। पंच है गांव के, आपके क्या मामला था, किस बात को लेकर एसडीएम से मिलना चाह रहे थे? सर पहली बात तो मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी। दूसरा SDM साहब के पास में हम आए थे, जो राशन वितरण एजेंट है हमारा, वो कई दिन से राशन वितरण में गड़बड़ कर रहा था। पिछली बार हमारे संज्ञान में आया तो उसमें क्या था, वो 5 रुपये तो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था और उनमें भी एक तेल की बोतल कम, प्लस में चीनी का जो सप्लाई हुई थी तो चीनी भी नहीं देखा हुआ। तब हमने उनको बोला कि आप ये कैसे कर रहे हो, तो उसने बोला कि ठीक है ये गलती होगी, आइंदा हम ये चीज़ नहीं करेंगे और जो चीज़ हमने की है आपकी बार उनको पब्लिक को पूरी कर दूँगा, वापस दे दूँगा। तो आपके कहने के बावजूद भी वो उसने नहीं, आप हमारे कहने के बाद में आपकी बात वो गांव में बांटने ही नहीं आया, वो बोल रहा है कि राशन हमारे गांव से ही लेके जाना पड़ा, जबकि वो जंजड़ियास गाँव का है। जंजड़ियास जाटवास से कितनी दूर पड़ता है? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर गांव पड़ता है और उसमें भी जिसको मान लो जो वीडोज हैं या जिस घर में कोई मतलब रहने वाला नहीं है तो उनको परेशानी है ही है, हर आदमी हर टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाता। तो हमने पुलिस को यही कहा था कि पहले आप गांव में आओ, अगर गांव में एक दिन पूरा नहीं हो पाता है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन और बैठ, ताकि गाँव के मतलब जो सरकार जो उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करी और उसमें ये रुकावट डाल रहे, सीधी सीधी बात। यदि ऐसा आप नहीं कर पाए उसके बाद में क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? सर इसके बाद में हम SDM साहब को ज्ञापन दिया, SDM साहब के बाद में DC साहब को देंगे और वहाँ अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम। महेंद्रगढ़ से दिनेश यादव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।